वेलकम टू बॉलीवुड ब्रेक्स। दोस्तों, हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, लेकिन जिंदगी के संघर्ष को देखकर कई बार हमारे हौसले जवाब दे जाते हैं। तो ऐसे वक्त में मुझे अनुपम खेर साहब की कही हुई एक बात याद आती है कि हार मत मान, उन लोगों को याद कर जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं हो पाएगा। जी हाँ, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी ही पर्सनालिटी से जिन्होंने बचपन में एक्टर बनने का सपना देखा था, जो कर्नाटक के एक छोटे से शहर मैंगलोर से निकलकर मुंबई पहुँचे और बॉलीवुड जगत में अपना नाम बनाया। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब बॉलीवुड के शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन साहब ने खुद उनके अभिनय की तारीफ़ की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता कृष्णा भट्ट की, जिन्हें आप बहुत सारी फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में देख चुके हैं। तो आइए आज बात करते हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर कृष्णा भट्ट से। लेकिन उससे पहले, अगर आपने बॉलीवुड ब्रेक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर हफ्ते हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे ही बॉलीवुड स्टार से जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे आज के मेहमान कृष्णा भट्ट जी के पास। हेलो कृष्णा जी, कैसे हैं आप? हाँ, बस ये तो नहीं कह सकता बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि है परेशानी है, सबको है, सिर्फ मुझे नहीं है, पूरी दुनिया में परेशानी है। तो लेकिन हमको खुश रहने की कोशिश करना है और ये कोशिश जारी रहनी चाहिए, और हम सबको एक दूसरे के साथ देने हैं और इस मुश्किल हालात से उभर के फिर से एक नई शुरुआत करनी है, तो उसी के इंतजार में है सब लोग। बिल्कुल सही बात है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, काफी लोग परेशान भी चल रहे हैं, लेकिन इसी दौरान अच्छी बात यह है कि सभी लोगों का पॉजिटिव रवैया सामने आ रहा है इस वक्त। हाँ बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ कि नहीं, ये मुसीबत तो मतलब अलग अलग तरह के आते हैं, कभी नेचर, कभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। तो ये अब तो एक साथ सबके लिए एक प्रॉब्लम है, तो हमको पॉजिटिव रहना है और इस मुसीबत से हम जरूर निकलेंगे और बहुत जल्द निकलेंगे, ये उम्मीद है। और बस यही है कि अच्छे अच्छे विचार रखना है और लोगों को पॉजिटिविटी देना है, फेक न्यूज नहीं फैलाना है, ये सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि फेक न्यूज नहीं फैलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो चलिए आपको सबसे पहले आपके बचपन में लिए चलते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और किस तरीके से आपका पहला मंच आपको लाइफ में मिला। हाँ, मैं हालांकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि मैं एक्चुअली साउथ से हूँ, कर्नाटक से, और अच्छा। ये बहुत कम, हाँ जी, शायद आपको भी नहीं मालूम है लग रहा है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं साउथ से हूँ और ये अपना कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है मैंगलोर। मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट एक बहुत ही छोटी सी शहर है, गुत्तीगार, बहुत ही एक कस्बा है। तो मैं वहां पैदा हुआ हूँ और एक हमारी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है और हम लोग काफी स्ट्रगल के दिन देखे हैं उस समय बचपन में, और एक छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था हमारा। तो हम तीन भाई और एक बहन, मम्मी पापा, हम छह लोग साथ में रहते थे और वहां पे कठिन परिस्थितियों में हम लोग पले बड़े हैं, नो रिग्रेट्स, क्योंकि शायद वो जो स्ट्रगल हमने देखा है उस दौरान, तो उसकी वजह से आज हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम मुश्किलात से, मुश्किल समय से हम जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो उस वक्त मैं शायद कहीं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था, तो हम वहां पे क्या है, कन्नड़ थिएटर करते थे स्कूलों में, हर एनुअल डे में एक प्ले तैयार करते थे, शो करते थे। तो इस तरह से शुरुआत हुई, फिर हर साल मैं एक प्ले करने लगा तो लोग अप्रिशिएट करते थे स्टेज में देख के, तो अच्छा लगा, अरे लोग हमें इस तरह से पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी दौरान ये मन में इच्छा जागी कि नहीं, इस तरह से कुछ अभिनय के इसको आगे बढ़ाना है। तो ऐसे करते फिर मैं 11th 12th हर साल में प्ले करता रहा, मुझे अवार्ड्स काफी सारे मिले उस दौरान कन्नड़ थिएटर में। फिर मैं ग्रेजुएशन करने के लिए बैंगलोर आया, तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो यहाँ वहां पे एक बैंगलोर में एक ग्रुप है, थिएटर ग्रुप अभिव्यक्ता, तो उनसे जुड़ा
फिर मेरे एक दोस्त है महालिंग भट्ट, उन्होंने प्ले लिखना शुरू कर दिया और मैं एक्ट करता था। हमारी जोड़ी एकदम खूब जमी उस वक्त और हमने खूब प्ले किए और खूब सारे शोज किए। लोग बहुत पसंद करते थे हमारे नाटक हम जो करते थे। तो इस तरह शुरुआत हुई। तो उस वक्त मुझे लगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने नीनासम थिएटर इंस्टीट्यूट के बारे में सुन रखा था कर्नाटक में। वहां पे एक साल मैंने डिप्लोमा कोर्स किया, एक साल तिरुगा था, उसके बाद मैं 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जी वहां पे मैंने 94 में मैंने पास किया। मेरे बैच के काफी सारे आजकल अच्छा काम कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कुमुद कुमार, कुमुद मिश्रा, आशुतोष राणा, यशपाल शर्मा, सब लोग, ये सभी, ज्ञान प्रकाश, अभय कुलकर्णी, ये सारे जितने हैं सब मेरे बैच के हैं, विजय कुमार, काफी सारे हैं, सबके नाम लूंगा तो है, सब मेरे दोस्त हैं। यशपाल जी तो बल्कि हमारे शहर से हैं, हिसार से, जहां से यशपाल जी बिलोंग करते हैं वहीं से मैं बिलोंग करता हूं, बड़े भाई की तरह यशपाल सर। अच्छा, ओके ओके। तो फिर फिर मैं एनएसडी में 3 साल करने के बाद मैं फिर बैंगलोर चला गया। वहां पे 1.5 साल रीजनल रिसोर्स सेंटर में काम कर रहा था, खूब सारे थिएटर वर्कशॉप किए ऑल ओवर इंडिया। फिर मैं इंडिया से बाहर भी गया, डेनमार्क, मालदीव्स, वहां पे मैं एक्टिंग क्लासेस लेता था, प्ले डायरेक्ट किया, ये सब करता रहा। फिर अचानक मुझे किसी ने ऐसे ही मजाक मजाक में कहा कि तुम एनएसडी में थिएटर वगैरह कर रहे हो, सही मायने में अगर तुम्हें स्ट्रगल क्या होती है या चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें जाना चाहिए मुंबई। तो मैं ऐसे ही ट्रेन पकड़ के मुंबई आया था 97 फेब एंड में। तो मेरा ये कोई इरादा नहीं था कि मैं मुंबई में रहूंगा, क्योंकि मैं थिएटर से जुड़ा रहना चाहता था। लेकिन मैंने सोचा चलो देखते हैं, मुंबई भी देख लेते हैं क्या है क्या है, कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी। तो मैं मुंबई आया और 2-2.5 महीने मुझे कोई काम नहीं मिला। तो फिर मुझे लगा मैं गलत आ गया। तो मैं पिताजी को खत लिख ही रहा था कि मैं गलत है। उस वक्त पेजर हुआ करता था, मोबाइल वोबाइल नहीं आए थे उस दौरान। मोबाइल की बात है, जब आप मुंबई आए थे मैं 97 फेब या मार्च में आया था। 97 ओके। उसके बाद मुझे काम नहीं मिला तो मैं ऐसे ही सोचा कि वापस जाऊं दिल्ली, फिर से थिएटर करूंगा, क्योंकि मैं वैसे टिकने नहीं आया था। मैंने सोचा था ऐसे देखते हैं, मुंबई भी देख लेते हैं। और मैं जब खत, कोई इंसिडेंट है कि वो जब खत लिख रहा था उसी वक्त मेरे पेजर की घंटी बजने लगी। तो मुझे 1-2 एपिसोड काम के, टीवी शोज के काम मिला। तो फिर वहां शुरुआत की। फिर धीरे धीरे एक और शो आया था दूरदर्शन में, मुंगेरी के भाई नवरंगी लाल, जिसमें मैं राजपाल यादव जी के साथ जी वो एक शो किया, प्रकाश झा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, तो वो एक शो किया। उसके बाद राजन वागरे मेरे बहुत अच्छे, मैं बहुत उनको मानता हूँ, उनके साथ काफी सारे सीरियल में एपिसोडिक कैरेक्टर से, इस तरह से धीरे धीरे शुरुआत। फिर मैं भट्ट कैंप में, महेश भट्ट कैंप में मुझे मौका मिला, एक छोटे से रोल से मैंने एंट्री की थी दुश्मन फिल्म में, फिर संघर्ष, फिर यह मुंबई मेरी जान। फिर इस तरह से धीरे 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 करते कुछ टीवी कमर्शियल्स किया मैंने, ऐसे करते करते काम से काम मिलता गया। एक जगह काम किया तो उन्होंने रेकमेंड किया दूसरी जगह पे, और इस तरह से काम बनता गया। फिर धीरे 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 हम काम इस तरह से, एक काम के बाद दूसरे, फिर फिल्म, फिर टीवी, इस तरह से करते 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 मुंबई में टिक गए। पता भी नहीं चला कि कभी हम मुंबई कर बन गए और कब मुंबई के हो गए। बिल्कुल। बच्चन साहब के साथ आपने काम किया है, हर एक्टर का एक सपना होता है कि यार अमिताभ बच्चन साहब के साथ एक बार कहीं पे काम करने का मौका मिल जाए स्क्रीन पर। तो चीनी कम में आपने बहुत अच्छा काम किया था उनके साथ, तो वो एक्सपीरियंस मैं चाहूंगा कि आप जरूर शेयर करें। ये भी एक कमाल का इंसिडेंट है। जब मैं कुछ कर रहा था काम, उस वक्त मुझे प्रोडक्शनों से कॉल आया था कि एक ऐसा रोल है आपका, लुक टेस्ट लेना है हमें। तो मैंने कहा कौन कौन? तो बच्चन साहब हैं और तब्बू है और परेश रावल जी हैं, ये सब। तो मुझे लगा फिर मुझे क्या करने का मौका मिलेगा, मुझे लगा कि मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं करने के लिए। तो मैं 3-4 बार तो कॉल आया जी, मैं दिग्गज कलाकार है तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ मौका नहीं मिले करने का। तो 3-4 बार नहीं गया मैं, 5वीं बार कॉल आया तो मुझे लगा अरे इतनी बार कॉल आ रहा है कुछ तो होगा इंटरेस्टिंग, तो जाके देखना चाहिए। तो फिर मैं गया वहां पे और उन्होंने, बालकी सर ने वो सुनाया मुझे, ऐसा ऐसा एक रोल है कोलगेट। तो हमने बहुत सारे लुक टेस्ट इसके लिए ले चुके हैं, हमें कैसे कुछ चाहिए कि एक्सेंट को पकड़े मलयाली और ये कुछ कैरेक्टर कैरेक्टराइजेशन करके
ऐसा एक कुछ चाहिए हमें, तो आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं। तो मैंने कुछ उसके, आपका अगर याद हो लुक हो तो उसका थोड़ा दांत बाहर रहता है, तो बोलने के तरीका है ना, हैदराबादी ज़ेफ़रानी पुलाव बहुत मीठा है, तो ये जो है। तो मैंने कहा कि उन्होंने पहले सोचा था कि वो दांत बाहर से लगाएंगे, तो मैंने कहा नहीं सर हम ऐसे ट्राई करते हैं, तो बोले आप मेंटेन कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल। तो फिर ये मेरा ही, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि हम खुद ही हमारे जो नेचुरल है उसी में हम कोशिश करेंगे। फिर हम मैं उसमें बोला कि आप फाइनल है आप करेंगे, तो फिर इस तरह से फिर हम बच्चन साहब के साथ 10 दिन के करीब हमने शूट किया। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, वो डिसिप्लिन इतने, अगर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे, तो टाइम पे आना, टाइम पे, तो उन वो बहुत अप्रिशिएट भी करते थे। और मुझे एक इंसिडेंट याद है, उसमें फर्स्ट टाइम मैं वो हैदराबादी ज़ेफ़रानी, तो उसमें हमारा मिड शॉट हो गया था, क्लोज होने वाला था, तो एक क्लोज शॉट भी हो गया, तो बालकी सर ने बोला ओके फैंटास्टिक टेक, ओके टेक। तो बच्चन साहब वहीं बैठे थे, बोला कि बालकी वन मोर फॉर मी। तो क्या बात है, तो मेरे पास आए ऐसे कंधे पे हाथ रख कर बोला, मुझे वो कृष्णन जी बोलते थे, तो बोला कृष्णन जी आप मेरे लिए एक और टेक देंगे? अरे सर मैंने के लिए आपके लिए किया 10 टेक देंगे, आप कहिए तो सही। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने जो मिड शॉट में जो आई कांटेक्ट हुआ, तो आपने एक लुक ऐसे है ना, लुक डाउन करके फिर अप किया था, वो बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, वो कहीं इस शॉट में मिसिंग लगा मुझे। तो और उन्होंने खुद जाके कैमरा पीछे से पूरा क्यू दिया। अरे क्या बात है, ये तो बालकी सर भी कह रहे थे कि तो कमाल हो गया, तो मतलब उन्होंने तो इस तरह से मतलब बहुत ही, फिर मैंने उनको बहुत थैंक यू कहा, तो हमेशा वो अप्रिशिएट करते थे। और एक 10 दिन उनके साथ काम करने का ये जो मौका था, वो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है मेरे लिए, बहुत अच्छा रहा। और बालकी बहुत डाउन टू अर्थ थे, बालकी सर तो कमाल के इंसान है, तो वो इतने अच्छे हैं। उस बाद में मैंने उनके साथ अभी एक एड फिल्म भी किया, फिर मिशन मंगल में भी किया, उन्हीं का प्रोडक्शन, उसके थ्रू जगन डायरेक्ट किए थे वो फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया, तो वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी बहुत बेहतरीन इंसान है और बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है। तो ऐसे ही मतलब फिर मैंने कमला हसन जी के साथ भी काम किया था एक अभय फिल्म में, वो भी बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। वो भी एक बहुत कमाल का इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, उससे कुछ समय पहले मैं सदमा फिल्म देख रहा था टीवी पे, तो मुझे ऐसे मन में हुआ कभी मौका मिले तो इस एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो कुछ दिन बाद मुझे एक कॉल आया, तो और बोले कि ऐसे ऐसे एक फिल्म है और कमल हसन जी ने आपके फोटो मंगवाए। तो मुझे लगा कोई मजाक करता है, क्योंकि हमारे दोस्त सर्कल में, तो मैंने फोन काट दिया। तो फिर से फोन आया, अरे अरे नहीं, मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ, मैं इधर मुंबई में वो उनके प्रोडक्शन के साथ काम देख रहा हूँ, तो उनका वहां से कॉल आया था। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मुझे यकीन हुआ, तो फिर मैं वो फोटो उनको भिजवाया। 2 दिन के बाद मुझे कॉल आया ऊटी जाना है, तो फिर मैं मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था ऐसे कैसे हो गया। फिर मैं ऊटी चला गया, फिर मैं उनके साथ काम किया, हुआ बहुत ही कमाल का रोल था मेरा, यंग और ओल्ड दोनों गेटअप में, तो वो बहुत अच्छे समय बिताए, बहुत सारे हम बातें करते थे बैठ के थिएटर के बारे में, एनएसडी के बारे में, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी। यानी कि कह सकते हैं कि वो शाहरुख खान साहब का डायलॉग बिल्कुल सही साबित हुआ कि किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। हाँ, मैं एक्चुअली क्या है, मैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा बनना है, बनना तो हमें, मुझे कृष्ण भट्टी बनना है ना, जो भी है मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन मैं किसी काम को पसंद करता हूँ, किसी को मैं अगर एज एन मतलब उनके काम के प्रति मेरे रिस्पेक्ट। बहुत रेस्पेक्ट रहता है, बहुत रेस्पेक्ट है, क्योंकि वो कमल हसन जी की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि वो कैरेक्टर को उनके, आप कितने जो भी फिल्म उठाए, क्योंकि मैं साउथ से हूँ तो मैं पहले से उनको फिल्में देखता आया हूँ, स्वाति मुत्यम हो, पुन्नगे मन्नन, सागर, सदमा, कितने सारे फिल्म है, मतलब नायगन, तो हर किरदार आपको अलग लगेगा, आपको कमल हसन कहीं दिखेंगे नहीं,
वो किरदार को बिल्कुल वो कैरेक्टर नजर आएंगे, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये खास बात है, वो बहुत मतलब बहुत वो चीज है कि नहीं तो कभी ना कभी आपके इमेज बनने के बाद वो आप दिखने लगते हो कहीं ना कहीं, ईगो ईगो आ जाते है कहीं ना कहीं। हाँ, वो आपके, लेकिन उनका ये खास बात रहा तो ये है, तो इसलिए मैं उनको बहुत पहले से पसंद करता हूँ, तो इसलिए मुझे मन था कि उनके साथ काम करूं, वो मौका मिला मुझे। जी एक चीज है कृष्णा जी, जो बंदा, मैं सोचता हूँ जहां तक मेरा खुद का मानना है कि जो इंसान स्ट्रगल करके संघर्ष करके आगे बढ़ा होगा उस बंदे में शायद ही कभी ईगो आएगी, क्योंकि उसने वो संघर्ष देखा है अपनी लाइफ में, तो शायद वो इस चीज से बच के रहता है कि ईगो से शायद उसकी जिंदगी में नहीं आती। देखिए ईगो, ईगो किस बात का है, मतलब मुझे समझ भी नहीं आता ईगो अहंकार जो बोलते हैं, मैं अरे मैं क्या है, मैं तो कुछ नहीं है। अब आप देखिए, आप कहीं भी किसी भी चीज को लेके देखिए, बिजनेस कोई भी आप फील्ड ले लीजिए, अकेला बंदा क्या कर सकता है बताइए मुझे। नहीं सही बात है, कुछ नहीं कर सकता। अभी आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो खरीदने वाला चाहिए, सही है, तो प्रोडक्ट बनाने वाला चाहिए, आपका टैलेंट क्या है, आप उस प्रोडक्ट को कैसे बेच रहे हैं। वैसे ही अगर मैं कोई ये कला मुझे मालूम है एज एन एक्टर, तो उसके लिए पूरी टीम है, ये पूरा टीम वर्क है, उस पे पीछे पता नहीं स्पॉट बॉय से लेके हर इंसान का मेहनत लगा हुआ रहता है, तो मैं क्या, मैं कुछ नहीं है, बस पूरा ये टीम वर्क है, और उसके बाद मेन है ऑडियंस। जब प्रेक्षक ही नहीं तो मैं क्या है, कुछ नहीं है। आप प्रेक्षक को हटाइए तो फिर क्या है, एक्टर तो कुछ नहीं है। जब प्रेक्षक हैं, आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तभी आप हैं ना, नहीं तो को क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, नहीं तो, है। तो ये चीजें हैं, ये अगर देखिए क्या है, ये आपके आपके परवरिश, आपकी सोच, आप कैसे विचार रखते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। तो आप कभी कभी किसी को बैठे बैठे बहुत सारी चीजें मिल जाती है, कभी लोगों को पता नहीं सालों लग जाता है ना। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैं अचानक रातों रात कुछ हो जाए इस पे मैं यकीन करता नहीं, और मैं चाहता भी नहीं, मुझे वही अच्छा लगता है। एक एक जैसे मैं मुंबई आया, मैं किराए पे घर रहता था, फिर मैंने एक छोटा सा घर ले लिया, फिर 10 साल वहां रहा, फिर मैंने थोड़ा बड़ा घर ले लिया, तो धीरे 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 आपका ये होता है, फिर ये जो कभी खत्म नहीं होता है ना कि आप खुश कैसे रहेंगे, बिल्कुल तो कोई अंत ही नहीं है। इंसान खुश होता ही नहीं है, ये हो गया वो चाहिए, वो हो गया ये चाहिए, खत्म ही नहीं है ना। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो है उसमें खुश रहूं, बस अच्छा काम करें हम लोग, है ना, लोगों का प्यार मिले, एक दूसरे का साथ देते हुए बस लाइफ को आगे बढ़ाएं। सुकून लाइफ में, टेंशन नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बिल्कुल। अच्छा अभी जैसे अगर टीवी की बात करें तो एक बहुत ही सब टीवी का फेमस सीरियल है लापता गंज, जो बच्चे की जुबान पर था, और जो आपका कैरेक्टर था वो बहुत ही मतलब एक हटके कैरेक्टर था, जितने भी आज तक आपने कैरेक्टर किए हैं उस बारे में जरूर एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ये भी एक इसके जो कर्ता धर्ता है लापता गंज के अश्विनी धीर, जिन्होंने शो बनाई है, तो हम एक पहले वो मुंगेरी के भाई नवरंगी लाल कर रहे थे, तो वो कुछ एपिसोड डायरेक्ट करने आए थे उधर, तो हमारी उधर पहचान हुई थी, तो अचानक ये शो शुरू हो चुका था, 6 महीने इस शो को, 3-4 महीने ये टीवी पे ऑन एयर हो चुका था, तो अचानक उसमें कैरेक्टर एक इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ये एलिजा का, एलिजाबेथ टेलर, तो उनका कॉल आया मुझे कि कृष्णा तो ऐसा ऐसा शो के बारे में, बोले हाँ मैंने देखा है कुछ एपिसोड्स, बने बहुत अच्छा लगता है शो, बोले आपको भी ये शो का हिस्सा बनना है। तो मैंने कहा कि कल आ सकते हो मिलने के लिए, तो मैं फिर मिलने चला गया, तो फिर उन्होंने जब रोल सुनाया तो मैं थोड़ा, क्योंकि उसका थोड़ा सा कैरेक्टर का ऐसा था, बाद में वो थोड़ा चेंजेस किए उसमें, तो मैं थोड़ा दुविधा में था कि करूं ना करूं, फिर 3-4 मीटिंग किए, फिर उन्हें बोला हम शुरू करते हैं एक बार, तो उसमें एक टिपिकल एक था, वो एक लैंग्वेज के एक डायलेक्ट, हैंगे हैंगे वो कैरेक्टर बोलता है कि हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैंगे, वो एक जगह का मध्य प्रदेश और यूपी में एक जगह पे बोली जाती है। तो फिर धीरे 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 वो कैरेक्टर लापता गंज के बाकी कैरेक्टरों के साथ घुल मिल गया, पता भी नहीं चला कब, और पता नहीं लोग कब पसंद करने लगे, क्योंकि लापता गंज की खासियत यही है कि सारे कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर, मुकुंदी, इंदुमती, है ना, मौसी, मामा,
लल्लन जी, सुतीलाल, बीजी पांडे, गुड्डू, जितने कैरेक्टर, सबके कैरेक्टर गिनने लगू तो बहुत सारे, इतने सारे कैरेक्टर ए टू जेड, सब कैरेक्टर अपने आप में कमाल के, एक कैरेक्टराइजेशन बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बना के दिया था और लोगों ने उसको बखूबी निभाया, क्योंकि काफी सारे कछुआ चाचा विनीत भाई, हम सब, हम, मैं, रोहित भाई, कछुआ चाचा जो विनीत भाई, हम सब नेशनल क्लब ड्रामा के ही हैं, और अनुप, बहुत सारे थिएटर बीएनए से हैं, राकेश जी, रोनूप उपाध्याय, अभी हबीब तन्नीर जी के थिएटर ग्रुप, तो हम सब एक दूसरे बहुत दो एक दोस्त हैं, तो इसीलिए सेट पे बड़ा मन लगा के काम करते थे, एंजॉय भी करते थे, है ना, ज्यादा वक्त हमने 5 साल में सेट पे बिताया है, तो एक कमाल, वो बहुत ही दिल के करीब वाला शो है, वो हमेशा रहेगा लापता गंज, कमाल, और उसे दर्शकों का बहुत ज्यादा प्यार भी मिला था, बल्कि घर घर में वो बहुत ही फेमस हो गया था वो टीवी सीरियल, और आज भी बहुत लोग उस टीवी सीरियल को मिस करते हैं। जी 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 हाँ, सोनू सूद जो है वो बहुत चर्चा में है इन दिनों, और बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, मजदूरों को लेकर जो उनको घर पे भेज रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखिए क्या है, ये है ना, तो ये वही इंसान कर सकते हैं जो उनके दर्द को ना करीब से समझता हो, बिल्कुल, क्योंकि वो उनका, मैंने एक सुना है कि वो खुद ही पहली बार जब मुंबई आए थे, ट्रेन में खड़े होके आए थे बाथरूम के बाहर दरवाजे के, वहां खड़े होके मुंबई आए थे सपने देख के कि मैं भी एक्टर बनूंगा, कुछ करूंगा मुंबई में, तो वो समय उन्होंने देखा है, उनको मालूम है तो क्या होती है तकलीफ, है ना, तो कभी कभी बहुत दुख होता है कि देखिए क्या है, यही कमाल है, दुनिया में अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, है ना, और तो ये बहुत ही, इसके लिए मतलब शब्द नहीं है कि आप क्या बोलेंगे, है ना, तो सैल्यूट है, बहुत सैल्यूट है, रेस्पेक्ट है, बहुत प्यार है उनके लिए, और दुआ निकलती है कि वो और खूब काम करे, क्योंकि देखिए हम भी जो, मैं बोलता नहीं हूँ, हम भी कोशिश करते हैं छोटा मोटा हमसे जो बन सकता है ना, तो बड़े लेवल पे तो हम उतने क्या बोलते हैं, उस लेवल पे हम पहुंचे नहीं है कि बहुत कुछ हम कर सके इस लेवल पे, बट हाँ छोटे लेवल पे भी जो हर आदमी को करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ हर इंसान को करना चाहिए जो इंसानियत को धर्म मानता हो, है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं तो हमें चाहिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप बहुत जल्दी उस लेवल पर पहुंचे कि आप तमाम लोगों की हेल्प कर पाए जो उन लोगों तक आप पहुंच पाए। तो अभी लास्ट में मैं ये चीज चाहूंगा कि आप एक मैसेज दर्शकों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस लॉकडाउन के समय में? देखिए मैं तो बहुत ये देखो, मैं हमेशा, हम कहते हैं ना कि मैंने बहुत सारे ऐसे बाइट बना के लोगों को भेजा है, मैं भी सोशल मीडिया में डालता रहता हूँ, घर पर ही रहिए, घर पर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, प्रिकॉशन लीजिए, सब ठीक है, अब ये सबको मालूम है, बिल्कुल, लेकिन उनका क्या है जिनके पास घर नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि घर पर रहिए, उनके पास घर ही नहीं है, और जो, और उनके पास खाने के लिए नहीं है, और वो एक जगह से दूसरी जगह, और मुझे बहुत बुरा लगता है प्रवासी मजदूर, ये बोलना ही गलत है, अरे भाई मैं तो कहता हूँ देश निर्माण की हम बात करते हैं, हम कहते हैं ना राष्ट्र निर्माण, ये वो है, वो नहीं है तो राष्ट्र नहीं है, वो जो बोलते हैं ना, ये जो हम मेट्रो बना रहे हैं, ये सारे चीज उन्होंने ही बनाई हुई है, अगर वो नहीं है तो हो नहीं पाएंगे, बिल्कुल, तो उनके बिना कुछ नहीं है, तो मतलब उनको तो सर आंखों पर बिठाना चाहिए हमको। चलिए देखिए अभी क्या है, इस पे हम राजनीति अलग जगह पे, वो तू मैं हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, मैं एक्चुअली बहुत न्यूट्रल हूँ, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, जो सही लगा उनको सैल्यूट, नमस्कार, बहुत अच्छा काम किया आपने, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो उनको तहे दिल से शुक्रिया, और जो सही नहीं किया आपने काम, अच्छा काम नहीं किया, या तो आपने जो भी किया तो आप कभी ना कभी इसके बारे में सोचिएगा, ऊपर वाला सद्बुद्धि दे सबको दे, और सब एक दूसरे के साथ दें, और इस मुश्किल हालात में, है ना, और मेरे से मुझे सब सच बता, मैं घर पे बैठे बैठे एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था ताकि लोगों तक पहुंचने के लिए, वीडियो आपका मैंने देखा था, बिजली नहीं है तो आप थोड़े से परेशान हैं उसमें, और उसमें बहुत अच्छा मैसेज था, उससे पहले हमने बोला था कि फेक न्यूज मत फैलाइए,
उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। हाँ, तो मैं इससे बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ये जो लोग ना बैठे बैठे जो मैसेज आता है उसको जांच पड़ताल किए बिना आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ये बहुत गलत है। इससे किसी के ऊपर कोई भी परेशानी हो सकती है, कोई भी कुछ गलत समझ सकता है। इससे क्या मिलेगा, क्या खुशी मिलती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फेक न्यूज जो फैला, वो जो पता नहीं ये क्या है, क्या मानसिकता है, आज तक नहीं समझ में आया मुझे सीरियसली। तो इसीलिए मैं तो चाहता हूँ कि लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और आप स्वस्थ रहिए और अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग कीजिए, उसके लिए जो जो प्रिकॉशन लेना है वो लीजिए, और बस ये जो मुश्किल घड़ी है ये भी बहुत जल्द हम इससे निकल के वो नई शुरुआत करेंगे और खूब तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं तो कहता हूं कि वो दिन मेरे लिए बहुत सुकून भरी होगा जिस दिन कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, और कोई भी जवान पीछे से वार करके, आमने सामने वार नहीं, पीछे से वार करके जवान शहीद नहीं होगा उस दिन। क्या बात है दादा, आपको दिल से सलाम। इतना खूबसूरत मैसेज दिया ना आपने, एक लाइन में आपने सब कुछ उस कंप्लीट कर दिया, और आपने देश के जवान की भी बात की, देश के किसानों की भी बात की, और आम आदमी की भी बात की। वाकई में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दुआ करते हैं कि आप निरंतर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, नई ऊंचाइयों को छूते रहें और हमसे जुड़े रहें। जी जी, बल मैं तो यही चाहता हूं कि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ करना है, करें लेकिन जो करें अच्छा करें, और लोगों के साथ जुड़े रहें, प्यार बने रहे सबके, बस यही चाहता हूं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दादा, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया, फिर जल्दी आपसे मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया।